अगर असां अज तू कुछ अरसा कुछ साल पिछू ते लगे वञू तारीख दा मुताला करूं या कहीं बुजुर्ग पुराने नाल बह के उन्दे कोल पुछूं उन्दे नाल डिस्कस करूं ता साकु एक गल पता लग सी कि अज तू पहले लोग जेरे हिन ओ पैसे को दौलत को माल को जर्रा देन अज भी हिन कुछ लोग जेरे ए टर्म इस्तेमाल करें देन पैसे वास्ते दौलत वास्ते माल वास्ते अज दा जेरा मेरा टॉपिक है ओ यो जर और दारी है दारी आदन जेड़ा बंदा पैसा रखदा होवे जिने कोल पैसा होवे माल होवे उको आदन दारी करेंदे ए बंदा ई चीज दी दारी है मतलब इंदे कोल ए चीज है पई जर दारी मतलब जर रखण आला अज ता मेरा टॉपिक जरदारी कबीला है पिया और उंदे नाल नाल अगर अज असां गल करेसों मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब दी जिन्हां को मिस्टर 10% आखा वेंदे जिन्हां दे उते इल्जाम लाए वेंदे मुखालिफिन दी तरफों कि हर काम दे विच जनाब ओ 10% गिनदे हन उंदे तो हट के भई ओ टिकटां विच जांदे हन सिनेमा दे विच क्या ए हकीकत है या कूड़े इंदे उते असां अज गल करेंदे पए दोस्तों अगर असां गल करूं जरदारी कबीले दी तां ए कबीला जिहड़ा है बड़ा सगीर दे बुनियादी कबीला जो है और ये मकामी कबीला है पिया हमेशा हर कबीले हिजरत करके आए नहीं था लेकिन ये कबीला 800 साल तो ही धरती दोते आबाद है पिया जरदारी कबीला बलोचिस्तान सिंध ते नाल नाल जनूबी पंजाब दे विच एक कबीला आबाद है पिया इन कबीले की अगर टोटल आबादी की गल करूँ तो इन कबीले की टोटल आबादी तकरीबन 70,000 अफराद उत्ते मुश्तमिल है तो जेड़े लोग सरदारी को समझते हैं या कबाइल को समझते हैं तो वह बंदे ये जानते हैं हर कबीला जो होंगे उन्द ही सरदार होंगे तो आसे वाले जरदारी साहब की जी फैमिली है ये जरदारी कबीले की सरदार फैमिली है पी सरदारी जी है जरदारी कबीले की वह जरदारी साहब जे आसे वाले जरदारी साहब हैं इन्हों के खानदान के पी आसे वाली जरदारी साहब के जेडे परदादा थी उन्होंने नाम है सरदार सजावल जरदारी वो अपने कबीले के सरदार हैं उन्होंने वफात तो बाद उन्होंने बेटा मुहम्मद हुसैन जरदारी साहब वो बने अपना अपने कबीले के सरदार मुहम्मद हुसैन जरदारी साहब जे वो शख्सियत हैं आसे वाली जरदारी साहब के दादा थी जिन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी वास्ते भारी फंड दिता और ये यूनिवर्सिटी कैम थी ये जी यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है जिथू सर सैयद अहमद खान और जनाब कैद आजम मुहम्मद अली जनास रहमतुल्लाह अलैहा उन्हां शख्सियात इतों पढ़ के ते गई हैं पियाँ और उन्हां तो बाद जी सरदारी है मुहम्मद हुसैन तो बाद वो आई हाकिम अली जरदारी साहब के कोल आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद कोल आसिफ अली जरदारी साहब की वालिद की वफात तो बाद ये सरदारी सरदार आसिफ अली जरदारी साहब के कोल है पई इस टाइम मौजूदा जरदारी कबीले का जरा सरदार है वह सरदार आसिफ अली जरदारी साहब है साबिक पाकिस्तान के जरे प्रेजिडेंट हैं पे और हाकिम अली जरदारी साहब जे हैं या ये जी जरदारी फैमिली है बुनियादी तौर पर सियासत दे विच कदम तो उन्होंने पहले ही सरदार तो हैं लेकिन सियासत दे विच अमली तौर के उत्ते कदम रखा हाकिम अली जरदारी साहब ने 1960 दे विच आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद मौजूदा ANP जी जमात है इन्हें प्लेटफार्म तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और MNA मुंतखिब थे ना सिर्फ MNA मुंतखिब थे बल्कि फेडरल मिनिस्टर भी बने आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद जे इन्हों को जब पीपल पार्टी बनी तो ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के बुनियादी अराकीन चू शामिल इन पे और इन्हों को फाउंडिंग मैंबर भी बनाया गया पाकिस्तान पीपल पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब का जरा खानदान है पिया ये खानदान सोशलिज्म को प्रमोट करें दे और इन्हें हमेशा सोशलिज्म का नारा बुलंद किए हाकिम अली जरदारी साहब जे हैं ना सिर्फ उन्होंने ANP के प्लेटफार्म तो इलेक्शन लड़ा बल्कि उन्होंने फातिमा जिनाह की सपोर्ट की और सरदारती इंतखाब फातिमा जिनाह के नाल खड़े रहे अयूब खान का डट के उन्हें मुकाबला किया और उन्होंने वफात तो बाद उन्होंने बेटे सरदार आसिफ अली जरदारी साहब जिन्हें सरदार बने तो उन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफार्म तो अपनी सियासत का आगाज़ किया। अच्छा और दूजी गल है कि जुल्फकार अली भुट्टू साहब और हाकिम अली जरदारी साहब बहु करीबी दोस्त समझे वेंदे हैं उन्होंने दोस्ती को देते और जरदारी खानदान की जी नज़रियात हैं या उन्होंने जी बहादरी है जुर्रत को देते हुए बेनज़ीर दी जी वालदा हैं मोहतरमा नुसरत भुट्टू ने
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੁੱਟੂ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਕਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਜੈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਨਣਾ। ਔਰ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਹੀ ਉਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦਨ ਹਾਕਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ। ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੰਨਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਥਈ ਤਾਂ ਆਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 13 ਰਜਿਸਟਰ ਮਿਲਾਂ ਹਨ 13 ਰਜਿਸਟਰ ਮਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਹੋਈ।